मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में सोमवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ हमलावरों ने दो युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जी हां, गोलियां लगने से घायल दोनों युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना राधापुरम से फेंचरी नाले के पास की है। हमलावरों ने नीरज गौतम निवासी पूजा एनक्लेव और धीरू जाट निवासी वृंदावन पर गोलियां बरसाई है। नीरज के एक सीने, पेट और माथे पर गोली लगी है, जबकि दो गोली धीरू को लगी है। नीरज गौतम की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल नैती अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं धीरू को 100 शैया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची थाना हाईवे पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई। एसपी सिटी अशोक कुमार मीना ने बताया कि हमले का आरोप मानवेंद्र निवासी खामनी, वीरू निवासी मथुरा शहर, बोलन निवासी नगला गीता और राहुल पर लगा हुआ है। पैसे के लेन देन को लेकर नीरज और धीरू पर हमला किया गया है। पुलिस को मौके से करीब 7 कारतूस भी मिले हैं। हमलावरों की गिरफ्तारी को पुलिस की 3 टीमें जुटी हुई हैं। नीरज और धीरू के साथ वीरू भी अपहरण व जानलेवा हमले में जेल जा चुका है। इससे गैंगवार की भी आशंका जताई जा रही है। ये थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत राधापुरम के पास में एक गोलीकांड हुआ है, जिसके अंदर दो व्यक्तियों की गोली लगी है, जिनका नाम, एक का नाम धीरू है, दूसरा नाम नीरज गौतम है। इन दोनों का भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। साथ ही साथ जो अभी तक सामने निकल के आया है इन्वेस्टिगेशन से, वो ये है कि ये जो लोग हैं, इनके में आपस में लेन देन का कोई विवाद था, जिसको लेकर इनके बीच में गोली चली है। और जो व्यक्ति इन्होंने बताया वो नामजद हैं, उन्हीं के लिए टीमें लगा दी गई है। जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग की जाएगी और जो ये इनकी तरफ से तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो तुरंत की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।